जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो पेपर्स की तैयारी स्टार्ट कर दे, टाइम बचो आपके पास कम है। और पेपर्स का आप लोग पूछ रहे थे, पेपर्स का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है कि माइक के आखिर में, आप ख़ुद भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी डेट एक्सटेंड करनी होगी तो वो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद के बाद चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं तो बच्चों इतने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होनी। तो फिलहाल आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जितने भी आपको चैनल्स ये बता रहे हैं कि पेपर कंफर्म आगे है वगैरह, बच्चों अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? तैयारी स्टार्ट करें, रिजल्ट आपको इंशाल्लाह आने ही वाला है। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वीडियो लेक्चर कैसे मिलते हैं। बच्चों वीडियो लेक्चर के हमने यहाँ पर ना सारे सारे प्ले लिस्ट बनाई होती है क्वेश्चन की। अब जैसे कि अब टेक्स्ट की नई बुक आई है तो हम वो वाले लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट की नई बुक आई है तो हम वो वाले लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स की नई बुक आई है तो हम वो वाले लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। पूरे पूरे क्वेश्चंस जो है ना उसमें हमने डाले होते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं मिलते हैं बच्चों, वीडियो लेक्चर के चार्जेस अलग होते हैं और लाइव क्लासेस के चार्जेस अलग होते हैं। मीन्स कि अगर एक स्टूडेंट लाइव क्लास रहता है, वो कहता है कि जी मुझे कभी कभी वीडियोस लेक्चर भी चाहिए, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार रिपीट करके देखना चाहता हूँ, तो उसको इसके भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब क्या हो गया है कि टाइम कम रह गया, अब पैकेज चलेगा, ठीक हो गया? अब पैकेज चलेगा और पैकेज के मुताबिक जो है आप लोग वो पे करेंगे एडवांस में, तो ही सर आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स के पैकेज में आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। गैस पेपर अल्हम्दुलिल्लाह की तरह हर वक्त हमारे जो अल्लाह ताला की तरफ से ये फ़जल है कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं वही स्टूडेंट्स को आते हैं, और वो सिर्फ जो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी पढ़ेगा वही वाले उसको गैस प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट याद रखें, आप अगर फजूल इंक्वायरीज के लिए आते हो, आपको किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा, फौरी आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? जो स्टूडेंट कहता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से पढ़ना है, अलग टाइम चाहिए, तो बच्चों उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ये याद रखें। अपनी मर्ज़ी का टाइम, तो फिर फ़ीस भी उसी हिसाब से चार्ज की जाएगी। फिलहाल फ़ीस फिक्स है, अब पैकेज है, अब किसी भी किस्म के एक्सक्यूजेस नहीं सुने जाएंगे, इसलिए जिन्हें पढ़ना होगा वो आएगा। और अगर थोड़ा सा भी बच्चे में डाउटफुल या कोई मशकूक नज़र आया ना, तो उसके पूरे नंबर अकाउंट्स ब्लॉक बंद कर दिए जाएंगे, याद रखें। तो इसलिए पढ़ने के लिए आने से पहले ना अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब यहाँ पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं। जो बी कॉम कर सकता है वो फ़ीस भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आप सप्ली बार बार अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फ़ीस भी पे कर सकते हो, इसलिए ये ड्रामे मत कीजिएगा, ठीक हो गया? तैयारी स्टार्ट करते, टाइम कम रह गया।